नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक रियल जानकारी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 2018-19 के जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके लिए जो है आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो है 4 पेज वाला जो है नहीं चलेगा, इसके लिए जो है सिर्फ 1 पेज वाला जो आय प्रमाण पत्र आता है वही जो है चलेगा। अब दोस्तों इसका जो है फॉर्म जो है ये नया फॉर्म जो ये है यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों इसमें कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2018-19 के लिए, तो ये वाला आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म आपको चाहिए। अब दोस्तों ये फॉर्म जो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए जो दोस्तों मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जो उस लिंक पर क्लिक करके जो उस साइट पर जा सकते हैं स्कॉलरशिप वाले में, और वहाँ से जाके जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आय प्रमाण पत्र पर जो है कौन सी गलती होने की वजह से जो है हमारा फॉर्म बार बार ऑब्जेक्शन में जाता है और हमारी स्कॉलरशिप आने में जो है बहुत देरी हो जाती है। अगर दोस्तों हमारे फॉर्म में जो अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट वाला जो हमें ऑब्जेक्शन देता है और हम 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जो उस ऑब्जेक्शन को जब हम ठीक करवाते हैं उसके बाद जो है वो संस्थान वाला जो है 10-15 दिन तक तो उस फॉर्म को चेक भी नहीं करता, और बाद में वो चेक करता है और फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर जो है हमारा फॉर्म जो है लगभग 1 महीना लेट हो जाता है। इस प्रकार से जो है दोस्तों स्कॉलरशिप आने में बहुत देरी हो जाती है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि आय प्रमाण पत्र में जो है वो कौन कौन सी कमियाँ रह जाती है इस वजह से जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है। दोस्तों आय प्रमाण पत्र के जो फॉर्म को आपको ऐसे भरना है, यहाँ पर तो आपको जो सिंपल डिटेल भरनी है अपना नाम भर देना, पिताजी का नाम, आयु, वर्ष, माह ये भर देने और एड्रेस पूरा डाल देना। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन कार्ड नंबर, यानी अपने पिताजी या मम्मी के नाम पर आप बनवा रहे हैं या फिर कोई संरक्षक और हो तो उसके नाम पर बनवा रहे हैं तो उसका जो है पैन कार्ड नंबर चाहिए। अगर BPL वाले हैं तो उनके लिए नहीं चाहिए। अब दोस्तों पैन कार्ड नंबर की उनके लिए ज़रूरत पड़ती है जो जो मतलब है 50,000 से जो है ऊपर स्कॉलरशिप आती है जिनके, उसके लिए होते हैं। आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार कार्ड नंबर, यानी कि आधार कार्ड नंबर जो है स्पष्ट होना चाहिए और जो है भामाशाह कार्ड नंबर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो है इनकम, मतलब उसकी जो है वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ पर जो आपको जिस जिस स्रोत से आपको इनकम होती है वो सब जो यहाँ पर डाल देने, और फिर जो है आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप जो भी डिटेल भरते हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हस्ताक्षर का जो ऑप्शन है यहाँ पर अपने पिताजी के या मम्मी के जो भी संरक्षक उसके हस्ताक्षर करवाने। अब उसका जो है यहाँ पर नाम भी लिखना, हस्ताक्षर करवाने के बाद आय की घोषणा करने वाले का नाम। उसके बाद जो है उस विद्यार्थी से उसका क्या संबंध है, जैसे पिता पुत्र का संबंध हो जो भी संबंध है वो यहाँ पर डाल देना। अब उसके बाद आती है दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य, यानी कि उनके जो हस्ताक्षर करवाने हैं वो यहाँ पर करवाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हस्ताक्षर करवाने में कमी रह जाती है, इस वजह से जो हमारा फॉर्म कई बार रिजेक्ट होता है। अब दोस्तों हस्ताक्षर करवाते टाइम जो है आपको ध्यान रखना है कि जिस उत्तरदायी व्यक्ति का हम हस्ताक्षर करवा रहे हैं उसके पद का नाम होना चाहिए, दिनांक भी होनी चाहिए और उसका जो है मोबाइल नंबर लिखवाना भी कंपलसरी है। अब दोनों दोनों उत्तरदायी के जो हमें उसका नाम, उसके पद का नाम और जिस दिनांक को साइन करवाए वो और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है आपका फॉर्म जो है ऑब्जेक्शन में चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये प्रारूप शपथ पत्र, ये आपको भर देना और अपने पिताजी या जिसके भी जो है नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसके साइन करवा देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको भरवाने के बाद आपको जो यहाँ पर जो है नोटरी करवा लेनी है, किसी एडवोकेट से करवा सकते हैं आप, तहसीलदार से, इनसे सभी से जो आप नोटरी करवा सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से जो अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो दोस्तों आपके फॉर्म में जो किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।